तीन चार बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा शाहिन साहब, किस तरह? सेप्टेम्बर 1999, लाहौर पुलिस अपने रोजमर्रा की ड्यूटी पे मशरूफ होती है और अपना मेल बॉक्स चेक करते हैं तो उन्हें एक लेटर मिलता है एक खौफनाक कन्फेशन का। मेरी गिनती 100 पर खत्म होती है, यहाँ पर मेरा मिशन पूरा हुआ, मेरा मैसेज पूरी दुनिया तक पहुँचेगा, मैं सैकड़ों माओ को रुलाऊंगा, मैं उनके बच्चों को अगली दुनिया में बगैर कफन के गटर के जरिए भेजूंगा। उस लेटर में एक एक विक्टिम का नाम, पता और किस जरिए से उसे कत्ल किया गया सब कुछ डिटेल में लिखा था, कितना टाइम एसिड को लगा उनकी बॉडी डिसॉल्व करने में, और आखिर में एक मकान का पता दिया हुआ था, 16B रावी रोड। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपने साथ कुछ ऑफिसर्स लेकर पहुंचते हैं और दरवाजे खटखटाना शुरू करते हैं, तब वहां से एक शख्स बाहर आता है, 38 साल का जावेद इकबाल। पुलिस उस लेटर से रिलेटेड उससे सवाल करती है, लेकिन सवाल सुनते ही जावेद इकबाल का बर्ताव एकदम से बदल जाता है और वो अपने सर पर बंदूक रखकर पुलिस को धमकाता है कि अगर वो यहां से ना गई तो वो खुद को गोली मार लेगा। पुलिस बिना उसको रोके, बिना उससे कोई सवाल किए और बिना घर की तलाश इसीलिए वहाँ से चली जाती है। उन्हें ये लगता है कि ये कोई मजाक कर रहा है, ये आदमी क्या किसी का कत्ल करेगा और वो भी 100 बच्चों का। They had no idea that they just walked away from worst serial killer in Pakistan history. 22nd of November 1999, डेली जंग न्यूज़पेपर ऑफिस के बाहर एक पैकेट जाता है जो वहां के एडिटर के हवाले कर दिया जाता है जो उस वक्त के क्राइम रिपोर्टर थे। वो पैकेट खोलने पर उनको बच्चों की तस्वीर मिलती है और एक खत जिस पर लिखा था, आज मेरे 100 बच्चों के कत्ल करने का सफर खत्म होता है, आपको साथ में उन तमाम बच्चों की तस्वीर मिलेगी, कौन है वो और कहां से, मैं चाहता हूं कि आप अपने अखबार के जरिए दुनिया को बताओ कि मैंने क्या किया है, मैं अपनी 32 पेज की डायरी आपको दे रहा हूं, वो मेरे 100 कत्लों का पुख्ता सबूत है, आप मेरे मकान पे जाओ तो आपको सब सबूत मिल जाएगा, जब आपको मालूम होगा कि मैंने क्या काम किया है तो पूरी दुनिया हिल कर रह जाएगी। अब एडिटर के पास दो पॉसिबिलिटीज आती हैं कि या तो जावेद को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है और या तो उसने वाकई में ये जुर्म किया है। वो बगैर वक्त जाया किए उस मकान पर पहुंचते हैं पर दरवाजे पर ताला लगा होता है। फिर एडिटर दीवार फलांग के उस घर के अंदर घुसता है तो सामने उन्हें 85 जूतों के पेयर्स मिलते हैं और एक बोरी जिसमें बच्चों के कपड़े होते हैं और एक कमरे में एसिड के ड्रम पड़े होते हैं और उसमें से बदबूदार स्मेल आ रही होती है। दीवार पर उन्हें कार्ड चिपके हुए मिलते हैं जिस पर अलग अलग डिटेल लिखी हुई थी, कुछ बॉडीज को मैंने जानबूझकर डिसॉल्व नहीं किया ताकि अथॉरिटीज उनकी जान पहचान कर सके और अब मैं दरियाई नदी में अपनी जान देने जा रहा हूँ। अखबार ये खबर पब्लिक तक पहुँचाती है और साथ ही 57 बच्चों के नाम और पता, जिसके बाद उसके मकान के बाहर भीड़ लग जाती है और कुछ देर बाद 57 बच्चों के माता पिता भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पे अपने बच्चों के कपड़े और जूते देख के रोने लगते हैं। 29th of December 1999, जावेद इकबाल डेली जंग अखबार के दफ्तर पर दस्तक देता है और अंदर दाखिल होते ही अपना सरेंडर पेश करता है। मैं हूँ जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल, मुझे इस दुनिया से नफरत है और मुझे अपने किए पे कोई शर्मिंदगी भी नहीं है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जावेद इकबाल अगले कुछ घंटों तक जर्नलिस्ट से बात करता है और उन्हें एक एक वाक्य की डिटेल देता है। दफ्तर में बैठे लोग अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करते हैं और कुछ ही मिनटों में ढेरों फौजी और पुलिस वहां पर मौजूद हो जाती है और कुछ ही मिनटों में ढेरों फौजी और पुलिस अफसर उस बिल्डिंग को घेर लेते हैं। इंट्रोगेशन में जावेद इकबाल बताता है कि वो पुलिस सिस्टम की लापरवाही और नाइंसाफी का शिकार था। इंट्रोगेशन के बाद पता चलता है कि जावेद एक वेल्दी फैमिली की छठी औलाद थी, 4 बहनें और 5 भाई। उसकी माँ के मुताबिक वो बहुत ही जाहिल और चालाक था। इस्लामिया कॉलेज से पास आउट होने के बाद जावेद के बाप ने उसे एक लोहे का बिजनेस स्टार्ट करके दिया। वहाँ से वो मोस्टली बच्चों को हायर करता था
क्योंकि उनको तनख्वाह कम देनी पड़ती थी। लेकिन इस हायरिंग के पीछे एक और वजह थी, जावेद वाजा होमोसेक्सुअल। वो बच्चों से सेक्सुअली अट्रैक्ट होता था। उसके बावजूद जावेद की 2 बार शादी हुई, लेकिन दोनों शादियां सिर्फ 1 साल तक ही रहीं। कुछ टाइम बाद उसने एक गेमिंग शॉप खोली और जैसे एक लॉलीपॉप पर मक्खियां जमा होती हैं, गली के बच्चे वहां सारा दिन गेम खेलने लगे। जावेद ने इस मौके का फायदा उठाया और वो जमीन पर 100 का नोट डाल देता था, इस उम्मीद में कोई बच्चा इस नोट को जरूर उठाएगा। फिर वो सग में आकर बच्चों को लाइन में खड़ा करता था और एक एक करके उन्हें प्राइवेट रूम ले जाकर तलाशी देने को कहता था और साथ ही उन बच्चों के साथ भयानक हरकत करता था। बच्चों की माँ ने उन्हें गेमिंग रूम जाने से मना कर दिया, जिसके बाद जावेद ने एक जिम और एक्वेरियम खोला एग्जैक्टली इसी मकसद के लिए। बाय 1997 जावेद को फाइनेंशियली क्राइसिस का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिन मकसद से वो बच्चों को अट्रैक्ट करता था उस पर पैसे बहुत लगते थे। इस वजह से उसको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है और वो लाहौर शहर का रुख करता है। जावेद को इस शहर में परफेक्ट हंटिंग स्पॉट मिलता है, दादा दरबार, जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा सूफी प्लेस है। उधर बेशुमार बच्चे खाने की तलाश में आते हैं और जावेद उनको खाने के बहाने अपने घर ले आता। जावेद इकबाल की लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो दादा दरबार से 18 साल के बच्चे को अपने घर लाता है। जावेद ने उसके साथ बहुत ज्यादती की, लेकिन रात को जब जावेद बिस्तर पर सो रहा था तब उस बच्चे ने जावेद के सर पर राइफल का हैंडल मारा और पूरे मोहल्ले में चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। पुलिस के पहुंचने पर जावेद जमीन पर गिरा हुआ था और उसके सर से खून बह रहा था। इंक्वायरी करने के बाद जावेद पर रेप का चार्ज लगता है और पुलिस उसे सजा के तौर पर 100 कोड़े मारने की सजा देती है। इस मारपीट की वजह से जावेद 22 दिन तक कोमा में रहता है। जावेद की फैमिली उसका मेडिकल बिल देने से इनकार कर देती है, लेकिन उसकी माँ होती है जो उसका बिल भरती है और खूब आंसू भी बहाती है। जावेद ने कभी नहीं सोचा था कि उसके खिलाफ भी वायलेंस हो सकता है। पैसे के कमी के कारण जावेद एक रेंटल रूम लेता है, 16V रावी रोड। नाउ जावेद इकबाल इज सेट फॉर रिवेंज। मुझे इतना मारा गया कि मेरा सर कुचल दिया गया और ना मुझसे चला गया। मैंने ये सब उसके बदले में किया है। मैं 100 माओं को रुलाऊंगा, बिल्कुल जैसे मेरी माँ मेरे लिए रोई थी। 100 कोड़ों का बदला 100 बच्चों से। 1999 से जावेद अपने बदले का सिलसिला शुरू करता है और सिर्फ 147 दिन में पूरे शहर से 100 बच्चे गायब होते हैं। सबसे पहले वो बच्चों की तस्वीर लेता है, फिर उन बच्चों को अच्छा सा खाना खिलाता है और घर वापसी लाने के बाद उनके साथ घिनौनी हरकतें करता है। आखिर में उनके गले में चेन बांध कर मार देता है और फिर उनकी बॉडीज को एसिड के ड्रम में डाल देता है। और ये तब तक चलता रहा जब तक उसने 100 बच्चों को नहीं मार दिया। ये सुन के पूरे लाहौर में माओं के रोने की आवाज थी। 2000 को फाइनली जावेद इकबाल को पुलिस अरेस्ट करती है और वो कोर्ट में अलग अलग दलील देता है, लेकिन कोर्ट में मौजूद जज उसकी बात नहीं सुनते हैं और उसको ऐसी सजा देते हैं। जज अली बख्श राजा उसको सजा सुनाते हैं, जावेद इकबाल को पाकिस्तान ले जाकर उसी चेन से फांसी दी जाएगी और उसकी बॉडीज के 100 टुकड़े किए जाएंगे, फिर उसी तेजाब वाले ड्रम में डाल दिए जाएंगे। ये सजा सुनने के बाद पूरे पाकिस्तान शॉक में हो जाता है और इसकी खुशी मनाने लगता है। एज वी आर कमिंग टूवर्ड कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, 9th of October 2001, ब्लॉक 7 ऑफ प्रिजन, जावेद इकबाल फाउंड डेड। इनिशियल रिपोर्ट से जाहिर हुआ कि जावेद ने अपनी शर्ट का फंदा बना के आत्महत्या कर ली, लेकिन इसके पीछे क्या सच है वो किसी को भी नहीं पता।